हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रिय साथियों आज हम जो आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपका बहुत ही मनपसंद विषय है जिसका नाम है मंथली लव राशी फल और ये मंथली लव राशी फल यानी कि मासिक लव राशी फल अप्रैल 2023 का है दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है और नंबर तीन कि आज जो हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे यानी कि जो सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सनस हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं आपका जो लव लाइफ है या जो लव रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है या लव से जुड़ी हुई जितनी भी आपके जीवन से चीज़ें हैं वो किस दिशा में चलेंगी कहीं आपके लिए उसमें परेशानी या कठिनाइयाँ तो अधिक नहीं आएंगी कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा या बहुत स्मूथली सब चीज़ें रन करेंगी और आप उसको एन्जॉय करेंगे किस प्रकार का एटमोस्फेयर रहेगा इस अप्रैल दो में आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए और जैसा कि आप में से बहुत दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देखते होंगे वो ये जानते हैं कि हम जब बात करते हैं चाहे वो एनुअल लव राशि फल हो चाहे वो मंथली लव राशि फल हो तो हम विशेष रूप से फाइव पॉइंट्स पर ही डिस्कशन हम करते हैं क्योंकि उन फाइव पॉइंट्स में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है आ जाती हैं चीज़ें और वो है सबसे पहला पॉइंट है कि जो सिंगल जातक हैं धरुण लगन राशि के उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है उसके विषय में जानेंगे दूसरा कि अगर आपका पहले से कोई रिलेशनशिप बना हुआ है या आप अफेयर आपका कहीं चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे आपके मित्र के साथ आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग रह पाएगी कितना आप उसके इस संबंधों में इन संबंधों में आगे जा पाएंगे कितना प्रोग्रेस हो पाएगी कितना इसको एन्जॉय कर पाएंगे या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई समस्या खड़ी हो जाए इसकी बात करेंगे पॉइंट नंबर थ्री होगा कि भाई मैरिड लाइफ है तो कैसी रहेगी अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा इस अप्रैल 2023 में आप धनु लगन राशि के जातकों का और अगर आप मैरिड भी हैं फिर भी कहीं आपका कोई रिलेशन बन गया है अपने किसी मित्र के साथ आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे आप धनु लग्न राशि के जातकों के उस चीज़ के हालात कैसे रहेंगे और प्रिय साथियों अंत में बताएंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं हाल फिलहाल नो कांटेक्ट यानी कि आपका कोई कांटेक्ट है ही नहीं अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ पहले कभी बहुत अच्छी रिलेशनशिप चला करती थी आपकी और दुनिया भी आपको देख करके कहती थी कि भाई हाँ वाकई बहुत जबरदस्त पेयर है ये तो लेकिन अब आप पुरानी बातों को सोच करके परेशान हैं और चाहते हैं कि आपके दोबारा रिलेशनशिप वहीं पर बन पाए उसके लिए आप चाहते हैं मैं कोशिश करूं या कोशिश कर रहे हैं आप पहले से तो कितनी सफलता मिलेगी पहली बात तो ये है कि साथियों इन फाइव पॉइंट्स पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको आज थोड़ा सा इस बारे में भी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि इस अप्रैल दो में कुछ ग्रहों की स्थिति बिगड़ रही है खराब हो रही है कमज़ोर हो रही है जिसके वजह से कुछ गलत दोष भी बनेंगे उन ग्रहों के कारण और जब भी इस प्रकार के दोष बनते हैं तो निश्चित रूप से जातक के जीवन पर भी उनका दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ग्रहों की स्थिति खराब है कुछ ग्रहों के लिए कहा है मैंने जिसमें कि सबसे पहले तो सूर्य देव है सूर्यदेव हाल तो चौदह तारीख से अपनी उच्च राशि में जाएंगे एक तरफ तो ये अच्छी बात है लेकिन दूसरी ओर क्या है कि उनका संबंध वहाँ पर बनेगा अपने परम शत्रु और महापापी महाक्रूर ग्रह राहू जैसे ग्रह के साथ और जैसे ही उनका इनके साथ संबंध बनेगा चौदह अप्रैल से सूर्यदेव पीड़ित हो जाएंगे और यही कारण होगा कि बीस तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा बीस अप्रैल को ज्योतिषी आधार पर कह रहे हैं कि जब जब सूर्य राहु के साथ संपर्क बनता है सूर्य राहु का तो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो स्थिति जो है कुछ ग्रहों के कारण बिगड़ रही है अगर हम देखेंगे कि कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक प्रभाव ग्रहों के आपके जीवन पर पड़ रहे हैं आपकी लव लाइफ पर तो हम उनका आपको रेमेडी भी देंगे आप रेमेडी जरूर करिएगा निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी मिलेगा तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो सिंगल जातक हैं कि सिंगल जातक जो हैं धनु लगन राशि के उनके लिए कैसा रहेगा प्रिय साथियों देखिए मैं पहले से ही ये चीज़ें कहता आ रहा हूँ कि आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए राहु आपको कुछ भी करने देना नहीं चाहते राहु ग्रह जो हैं वो आपकी बुद्धि को भ्रमित रखते हैं और इतना ज़्यादा भ्रमित रखते हैं कि आप किसी सॉलिड डिसीजन पर पहुँच ही नहीं पाते कोई कॉन्क्रीट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं लेकिन इस महीने कुछ इस परिस्थितियां थोड़ी बहुत पार्शली बदलने जा रही हैं मैं बता दूं आपको कि एक अप्रैल से लेके और अप्रैल है तो बहुत कम समय यह ड्यूरेशन इस अप्रैल में छह दिन का मात्र समय है कि एक अप्रैल से छ अप्रैल के बीच का जो समय है जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता है या जिस मित्र पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे चाहते हुए भी उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए आप भ्रमित हो रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए और बहुत बातें थीं काफ़ी नेगेटिव और वैसे भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे कुछ आपके नेगेटिव थॉट्स कुछ सामने से कुछ मित्र का भी नेगेटिव एटीट्यूड या कुछ बिहेवियर इस तरीके का या उनकी बातें इस तरीके की तो ये इन सब बातों को लेकर के काफ़ी भ्रमित कन्फ्यूज़न बना हुआ था आपके माइंड में अभी भी बना हुआ है लेकिन एक अप्रैल से छः अप्रैल तक के लिए कह रहे हैं कि ये वो समय है कि जब आपका मित्र आपको पूरा उसका सपोर्ट दिखाई देगा मिलते हुए एक अप्रैल से छः अप्रैल के बीच पूरे महीने में ये छः ही दिन है कि जब आपके मित्र का आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देगा तो अगर आप चाहते हैं पहले से सब कुछ आप स्टडी कर चुके हैं सारा एनालाइज कर चुके हैं अपने उस मित्र को लेकर के उसकी बैकग्राउंड उस मित्र के बारे में सब कुछ जानते हैं पहचानते हैं तो फिर आप देर ना करें अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं तो फिर आप उनको जितना जल्दी हो सकता है मैं तो कहता हूँ महीने की पहली तारीख को ही पहली तारीख से पहले भी अगर आप कर सकते हैं अगर आप उससे पहले भी आप सुन रहे हैं तो आप प्रपोज़ कर दीजिए हालांकि प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने में टाइम तो लगेगा और थोड़ी दिक्कतें भी रहेंगी और छः तारीख अगर निकल गई तो तो फिर हम इस बात के लिए भी थोड़ा कहना हमारे लिए मुश्किल है कि ये मुश्किल क्या असंभव है फिर तो कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए उधर से इस बात की संभावना ना के बराबर रहेगी लेकिन माह के मध्य तक फिर भी बीच बीच में आपको कुछ अच्छे कुछ संकेत उनकी ओर से मिलते रहेंगे कुछ जिससे आपके मन को तसल्ली हो मन को कहीं ना कहीं ये हो कि चलो एटलीस्ट इतना तो हुआ कुछ तो अच्छा हुआ अभी तक तो कुछ भी नहीं सही जा रहा था सब कुछ ही उलट पुलट हो रही थी चीजें अब कुछ तो चीज़ें यह भी माह के मध्य तक और माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय है उसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती नजर आ रही है कि कभी आपको उनका बहुत अच्छा व्यवहार नजर आएगा कभी अच्छा एटीट्यूड लगेगा कभी लगेगा कि ये किस प्रकार का आदमी है कल तो ऐसा बोल रहा था आज ऐसा तो ये सब चीज़ें जो हैं ग्रहों के ही आधार पर हो रही हैं मैं पहले ये बता चुका हूँ कि ग्रहों की स्थिति कोई ज़्यादा फेवर में नहीं है आपके इस महीने तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखने वाली है समझने वाली भी है और हमको समझना पड़ेगा ये बात रेमिडीज़ भी हम आपको देंगे तो ये जो चीज़ें हैं मिले जुले परिणाम महामध्य से अंत तक मिलेंगे आपके मित्र की ओर से लेकिन बस प्रपोजल यानी कि प्रपोज अगर आपने करना है अपने मित्र को तो बिना देर किए हुए एक तारीख से पहले भी अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जैसा मैंने अभी कहा भी है फिर दोबारा बोल रहा हूँ तो आप तुरंत कर दीजिए अगर आप सब कुछ जांच पड़ताल सब कुछ कर चुके हैं आपके मन में वो बैठ चुका है बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं है अब अगर कमी है तो वो ग्रहों की ओर से है इसलिए मामला रुक रहा है तो आप कर दिए कर देंगे अगर एक तारीख से पहले तो हो सकता है उसमें भी कुछ परेशानियां तो जरूर आएंगी लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कुछ परसेंट कि वो छः तारीख तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए हालांकि उसमें भी मैंने कहा ना कि अड़चने हैं और लेकिन फिर भी हमें ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा बहुत जरूर रहना चाहिए और माह के मध्य तक मैं फिर अपनी बात को दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई बीच बीच में कुछ अच्छे साइंस भी आप साइन भी आपको मिलेंगे देखने को उधर से आपके मित्र की ओर से लेकिन छः तारीख के बाद सिर्फ परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदलेंगी फिर हो सकता है कि महामध्य के बिल्कुल बाद जा कर के तो आपका जो मित्र है उसके एटीट्यूड में थोड़ा सा या उसकी बातों में आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई कुछ रूखापन है या ये मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है तो ये चीज़ें हैं ये होंगी लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं होंगी बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों में ये रहेंगी और धीरे धीरे ठीक भी होंगी लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी एकदम ये कह दूँ कि बहुत जल्दी ये हालात बहुत आप धनु रगन राशि के जातकों के जो सिंगल हैं पॉजिटिव हो जाएंगे सब कुछ आपके इच्छा के अनुरूप होगा अभी थोड़ा वो उन चीज़ों में समय है अभी समय लगेगा होंगी लेकिन समय लगेगा नंबर दो आपको बताएंगे जो अगर आपके पहले से रिलेशनशिप चल रही है या आप अफेयर में हैं तो कैसी स्थिति रहेगी भाई इस महीने अप्रैल 2023 में धनु लग्न राशि के जातकों को देखिए आपका जो मित्र है छः अप्रैल के बाद आपके व्यवहार से या आपकी बातों से आपके एटीट्यूड से वो इतना आपसे दूरी बना सकता है और डिस्टर्बेंसेज होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं हालांकि बीच बीच में कुछ पैचअप भी होता रहेगा आपकी ओर से हो आप ही की ओर से ही होगा और उनकी ओर से तो मुझे नहीं लगता छः तारीख के बाद से वो तो आप इतना आप उनके मतलब एक तरीके से आपके व्यवहार या जो बातचीत हैं या जो भी हैं आप उनको इतना ज़्यादा इरीटेट कर देंगे या वो आपसे इतने ज़्यादा इरीटेट हो जाएंगे कि वो यही उचित समझेंगे कि इस व्यक्ति से दूरी बना करके ही रखना फिलहाल ठीक है हो सकता है वो आपकी फ़ोन कॉल्स को भी पिक ना करें यहाँ तक भी स्थिति बन सकती है और अगर मान लीजिए फ़ोन कॉल्स पिक कर भी ली उन्होंने बातचीत भी कर ली तो बातचीत भी कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है बहुत ही या बहुत मन को प्रसन्न करने वाली मन को खुश करने वाली बातचीत हो रही है नहीं कहीं ना कहीं आप भी डिस्टर्ब वो भी डिस्टर्ब कुछ इस प्रकार के हालात रहे बन रहे हैं अप्रैल 2023 में और जहाँ तक मैरिज की बात है तो वो तो अभी दूर तक कोई योग है ही नहीं आगे बात करते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपका भी वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है यानी कि आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेज बहुत ज़्यादा हैं एक तो सबसे बड़ा कारण है आपका अपना क्रोध और आपके अपने मुंह से निकले हुए वर्ड्स यानी कि जिसको कहते हैं ना कड़वे शब्द बिटर वर्ड्स वो व्यवहार क्रोध गुस्सा इसके कारण भी आपका मित्र जो है जो आपका मित्र से मतलब लाइफ पार्टनर है आपके और उसके बीच में तनाव की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा हैं कि आप क्रोध आने पर कुछ भी बोल देना किस पर आपका जो व्यवहार है उनके प्रति अपने ए, लाइफ पार्टनर के प्रति ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके बीच में तनाव रहने का टेंशन रहने का तो काफ़ी डिस्टर्ब है मैं मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है उसको आपको संभालना है अपने क्रोध पर कंट्रोल करें अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखें सोच समझ करके बोलिएगा उल्टा सीधा कुछ ना बोलें और उपाय भी देंगे अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में तनाव ख़त्म हो शांति हो तो उपाय भी देंगे आपको जरूर करें अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए वरना तो हर तरीके से मुझे आपकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है अप्रैल में अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे रहेंगे साथियों मैं आपको बता दूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो ठीक है अगर आपके पहले से हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई स्टेप जाने अनजाने आपके द्वारा ऐसा ना ले लिया जाए कि जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे मान सम्मान में कमी आए प्रतिष्ठा में कमी आए समाज में आपकी इज्जत ना खराब हो क्योंकि सूर्य की स्थिति मैं बता चुका हूँ पहले ही चौदह तारीख से बिगड़ रही है उनकी स्थिति और उनकी स्थिति बिगड़ रही है इसीलिए ये सब चीज़ें होने की शंका मतलब संभावना अधिक है हमें आप कोई भी निर्णय लें बहुत सोच समझ करके लीजिएगा क्योंकि तो ये आपकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और मान सम्मान में कमी लेकर के आएगा चौदह तारीख के बाद से माह के अंत तक तो जो भी आप रिलेशनशिप में हैं हम ये नहीं कहें और जो न, बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप नया उनको तो कोई सफलता मिलने का योग नहीं है भाई बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे दो अप्रैल में लेकिन जिनका पहले से अफेयर चल रहा है उनके लिए बताना चाहते हैं कि कोई जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा कदम उठाया जाने की बहुत अधिक संभावना है जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो जाए बहुत आपके लिए समस्या बन सकती है ग्रहों की स्थिति बहुत इस समय बिगड़ी हुई है तो आप बहुत सतर्क रहें और आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए कोई भी स्टेप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आप जल्दबाजी में ले लिया अगर आपने या बिना सोचे समझे ले लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है ग्रोह की उपाय भी देंगे अगर आप उनको करेंगे तो ठीक है आपको उसका लाभ भी मिलेगा अंत में बताएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात यह है कि भाई देखिए अभी तक तो बिल्कुल ही सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव रिजल्ट की बात थी लेकिन हाँ आप कुछ थोड़ा पॉजिटिव लग रहे हैं एक तारीख से छः तारीख तक तो कुछ अगर आपने संपर्क बनाने की कोशिश की अपने मित्र से तो उसका कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है मैं बात कर रहा हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की लेकिन छः तारीख के बाद से अगर आप संपर्क बनाएंगे अपने मित्र के साथ से तो संपर्क तो हो नहीं पाएगा उनके साथ ये भी हो सकता है कि उनका आपको नेगेटिव एटीट्यूड या नकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ जाए इस बात से आपको हम सावधान और सचेत करना चाहेंगे तो प्रिय साथियों ये तो हमने बता दी है। बातें जो बताने वाली थी पाँच पॉइंट्स को लेकर के अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ आपकी इस लव लाइफ़ में मैरिड लाइफ में सब कुछ शांति ढंग से चले शांतिपूर्ण तरीके से चले तो फिर आपको करना ये है सबसे पहले तो माँ भगवती जी की पूजा करें ये तो आप हमेशा ही करें अभी आपको बहुत माँ भगवती के आशीर्वाद की बहुत सख्त आवश्यकता है तो आप माँ चंडी का स्त्रोत्र तो नृत्य प्रतिदिन करिएगा नित्य प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भाव से और सूर्य देवता को स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश से जल दें सुबह को और हो सके तो उसमें एक चुकटी कुमकुम भी डाल लें और इससे इससे भी बात नहीं बनेगी अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके पाँव छूएं पिता पिता के हैं पिता हैं घर में या पिता तुल्य कोई व्यक्ति हैं उनके पाँव छुएँ सुबह उठते ही उनका आशीर्वाद लें तो सूर्य अच्छे होंगे आपके लिए और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है बीस अप्रैल को सूर्य से संबंधित गेहूं है अनाज है जो है इन चीजों का दान करें तो यह स्थिति जो है अभी अब दूसरे भी उपाय आपको दे रहे हैं वो ये है दूसरे उपाय कि शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथ से रोटी दे दी शुक्रवार के दिन करना है सिर्फ एक एक दिन करने उपाय रोज जो आपको करना है चंडी का स्त्रोत्र का पाठ करना है एक तो और दूसरा करना है सूर्य देव को जल देना है और सूर्य देव की पूजा करनी है चाहे आप उनके मंत्र का जाप करें ओम गृहणी सूर्याय नमः एक माला तीन माला या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ या सूर्य चालीसा का पाठ कर लें देव की आरती कर लें सबसे आसान तो यही है जल देने के पश्चात और बाकी एक एक दिन के उपाय हैं एक दिन आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाकर के वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं वहीं बैठ करके आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अगर सुंदरकांड करेंगे तो और भी अच्छा राम रक्षा तो छोटा तो ही होता है सुंदरकांड भी दस मिनट के लिए करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में शांति आएगी और बुधवार के दिन आपने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करनी है भगवान विष्णु जी की गुरुवार के दिन केले की पूजा शुक्रवार के दिन एक एक दिन की पूजाएं हैं बाकी दो पूजा तो नित्य प्रतिदिन वाली तो एक सूर्यदेव की बताई हमने एक आपको माँ चंडी का स्त्रोत्र का पाठ ये करें आप और मंगलवार के दिन ही जब वहां जाएंगे राम रक्षा स्त्रोत्र करेंगे सुंदरकांड का पाठ जब व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो आपकी मैरिड लाइफ में से कष्ट संभा की जो संभावना बन रही है ये ये दूर होगी तो प्रिय साथियों रेमेडीज के साथ हमने आपको बताया है धनु लग्न राशि के जातकों को कि किस तरीके से आप अपनी लव लाइफ़ को अपने लव रिलेशन्स को थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में ला सकते हैं कैसे ला सकते हैं इन रेमेडीज से ला सकते हैं काफ़ी हद तक ला सकते हैं अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी नहीं करेंगे तो फिर आपकी इच्छा है तो प्रिय साथियों अगर आपको ये पसंद आया है मंथली लव राशि फल अप्रैल 2023 का धनु लगन राशि के जातकों से हमारा कहना है तो आप इसको लाइक जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको अगर शेयर करते हैं तो जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनको इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोज़ बने उन सभी की नोटिफिकेशन सर वे सारे वीडियोज़ भी समय रहते आप तक पहुँच पाएँ तो फिर आपको करना है छोटा सा कार्य है जो आप बेल आइकन देख रहे हैं बस उसको दबा दीजिए तो ये थी चर्चा आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनके मंथली लव राशि फल अप्रैल 2023 की अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और आप अपने सभी जो दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी